बहुत ही सत्कार योग दोस्तों पेश है डॉक्टर सरबजीत कौर सोल होर दा शब्द चित्र। गुन्नी मिट्टी वर्गे एहसास की मालक डॉक्टर सरबजीत कौर सोल। दोस्तों कुछ बंदे बने बनाए रस्तियां ते तुरदे हन पर कुछ बंदे पहला सुपने देखते हैं फिर सुपन के मुताबिक अपने रस्ते सिरजते हैं तो फिर मस्त चाल उन्होंने राहों पर तुरते रहते हैं। अजिहा करना मुश्किल तो जरूर है पर अजिहे रस्ते सिरजना इन्हों उत्ते तुरन का अपना ही एक सुकून है तो अपना ही एक जनून है। डॉक्टर सरबजीत कौर सोल होर का शुमार पहली किस्म के बंद नहीं दूजी किस्म के बंद होंदा है। उसनु विरासत विच कुछ नहीं मिलिया बल्कि सारा कुछ उसने आप सिरजिया है ते उसने एक नहीं कई राह सिरजे हैं। पहला राह उन्हां दे अध्यापन दा है जिथे वह प्रिंसीपल दे रूप विच यूनिवर्सिटी कल चुन्नी कलां विच ज्ञान दा चानन वंडदी है पर नाल ही एक सुपन साज दे रूप विच एक होर सुपना लैंदी है जो रॉयल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बोड़ावाल के रूप में मानसा की धरती से साकार होता है तो जवान होता है। उसका दूजा राह साहित्यक सरप्रस्ती और साहित्यक मैनेजमेंट का है जिस विच वो पहला पंजाब साहित्य अकादमी के उप प्रधान के रूप में तो फिर प्रधान के रूप में पहला वाली राहों के समानांतर नवे सुपने वेखती है तो उन्होंने साकार भी करती है। ता ही वो पंजाब साहित्य अकादमी नूं राजधानी दे तंग दायरियां विचों कढ के नक्शियां विच उलीके हुए भूगोलिक पंजाब तों पूरे ग्लोब तक फैले वर्चुअल पंजाब तक ले जांदी है। सकत्तर दे रूप विच डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा वर्गे अनुभवी साथी नाल मिल के इन्हां दी अगवाई विच अकादमी दी ए टीम कम करन दीआं तहां ला दिंदी है ते अकादमी दे दायरे नूं उन्हां नुकरां तक पहुँचा दिंदी है जिथे तक हुण तक असी नहीं अपड़ सके सां। उस दे सुपनियां दी एक होर तामीर उस दी सिरजना दे रूप विच हुंदी है। उस दी सिरजना जीवन अनुभव दी कुट कुट के गुन्नी मिट्टी दे एहसास वर्गी है जिसनों वो मन दे चक ते चढ़ा के बहुभांति सिरजना करती है। इसलिए उस लई पेन ते कागज़ वर्गियां निर्जीव वस्तां भी सिरजना दा सबब बन जांदियां हन। इसलिए जब कोई कागज उसके हाथ आता है तो वह कहती है कागज मेरा पक्का आड़ी जो कहदियाँ सुन लेंदा है जो चाहदियाँ लिख लेंदियाँ ना लड़दा ना बहसदा निंदा चुगली भी ना करदा वर्तन दिंदा है सब मैनू हाशिए तो अखीरी लीक लिखिया रद्द करन दी मोलत भी दिंदा है मेरा आड़ी ना मीन मेक ते ना बदनामी मेरे भेद लकोई रखदा जो लिख दियां सब जर लेंदा मेरे जीण दा आहर बनदा जदों मुहब्बती खत ए बनदा चुमिया जांदा सीने लगदा रिश्तियां नूं लिपिबद्ध करदा ना भी दिंदा थां भी दिंदा रचनाकारी महक दा साथ मेरे सब तों नेड़े रहिंदा कागज़ मेरा पक्का आड़ी। उसदी सृजना दियां भी अनेक दिशावां हन। वो एक पासे सफ़र दर सफ़र तो अपनी कविता का सफ़र शुरू करके एवें किवें गुन्नी मिट्टी काव्य कुणका अते मुहब्बत गिरी राही हुंदी हुई एनीमेटेड रिश्तियां दी बात पाउंदी है। इस दे नाल ही आलोचना दे खेत्र विच आधुनिक काव्य रूप किताब राही शुरुआत करके हरभजन सिंह दी नाटकाव्य संवेदना ते फिर इस तों अगे हरभजन सिंह दी सरोदी काव्य संवेदना तक पहुँचती है। किते उसके गीत रिकॉर्ड होके पंजाबी प्यारियां दे कन्ना तक पहुँच रहे हैं ते किते गागर ते सागर किताब दे रूप विच उस दीयां कहानियां किते उस संपादित किताबां दे रूप विच अध्यापकां लई सिक्ख्या मॉड्यूल तैयार करके नवीयां लीहां पाउंदी है। एक सी टुनटुनियां अनुवाद दे रूप विच उन्हां दा खूबसूरत कारज है। वह पंजाबी भाषा दा परचम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दायरियां तक बुलंद करना चाहुंदी है। इसलिए उसकी अगवाई विच पंजाब साहित्य अकादमी ने कई अंतरराष्ट्रीय समागमों का आयोजन किया है जिस विच HMB कॉलेज जलंधर विच करवाया पहला अंतरराष्ट्रीय पंजाबी साहित्य उत्सव
बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। औरत होना उस लिए कोई टैबू नहीं है, बल्कि नवा विस्तार है। तो बहुत धड़ल्ले नाल विचरदी हुई सिद्धांत की पद्धर से भी दसहद्या तो पार जाती है, तो व्यवहारिक तौर पर भी हर मुश्किल उस लिए नवी चुनौती है, हर विशा उस लिए एक नवा मौका है, हर रुतबा उस लिए एक नवा सुपना है, हर पल उस लिए एक नवा ख्याल है, हर जिम्मेवारी उस लिए एक नवा चाह है, तो हर कार्य उस लिए एक नवा विस्तार है। उस समकाल के झमेलों में उलझदी नहीं, बल्कि उन्होंने खह के लंघती हुई किसी की खिची लकीर ढाहे बिना अपनी वड्डी लकीर खिंच देती है, तो फिर कुछ देर बाद उसनू अपनी लकीर भी छोटी लगन लग जाती है, तो वह अपनी ही लकीर के समानांतर एक होर नवी लकीर खिंच देती है। लकीर की एक खेड उसकी जीवन जाच का अनिखड़ पहलू है। लकीर का यह सिलसिला इंज ही चलता रहे। डॉक्टर सरबजीत कौर सोल लई बहुत बहुत दुआवां। धन्यवाद दोस्तों।